गाइस गोल्डन थार गोल्डन वाली तो वेलकम बैक टू चैनल गाइस एंड गुड मॉर्निंग का गुड आफ्टरनून हो रहा है एक तरह से। हम निकल रहे हैं अभी फिलहाल जा रहे हैं हम आज करेंगे बैंक जाना थोड़ा सा फॉर्म उठाना है एक नंबर प्लेट के लिए और फिर शोरूम जाना है वो दे के आना है। आज देखते हैं शेड्यूल कैसा है क्या रहता है। अभी तो निकले हैं थोड़ा खाना वाना खाया नाश्ता किया अब निकलते हैं जा रहे हैं रास्ते में फिर हम दोबारा देर में निकले हैं दोपहर के टाइम में फिर जाम मिलेगा हमको। अभी फिलहाल भी बहुत जाम है पर चल रहे हैं अभी। कैसा लग रहा है भाई तुम्हें इंडिया का जाम? वैसे बहुत बुरा हर जगह फंस जाता है बेचारा। चलो जाके देखते हैं यार कब तक पहुँचते हैं। ये लगे भी आ गया हो गया खाना हो गया भैया खाना पीना आपका चले चलो भाई इसका फ्रंट लुक चेक करो अभी फिलहाल नीचे से पूरा प्रोफाइल से ये फ्रंट स्टांस है इसका। अब सबसे पहले तो ये फॉग लैंप्स लगे हैं VRL वाले इनको चला के दिखाते हैं रुको जरा मैं थोड़ी सी डीवे की झलक भी दिखा दूँ। ये चाबी बनवाई है रिमोट की पूरी पहले नॉर्मल थी सारी लाइटें ऑन कर देते हैं इंडिकेटर भी ऑन कर देते हैं। अच्छा ये है कुछ फ्रंट डीआरएल्स का लुक ये पूरी डे टाइम चलती रहती हैं ये फॉग लैंप्स जो रात को चलते हैं एलईडी भी पूरे वाइट बल्ब भी वाइट सब एलईडी कर दिया आगे से कोई भी क्रोम नहीं लगाया सब ब्लैक है। ये कराया है एलॉयज अपग्रेड हुए थे मड फ्लैप्स लगे हैं जो नहीं थे वाइपर अपग्रेड हुए ये डोर रियर व्यू मिरर जो है इसके अपग्रेड हुए ये तो एक्सेसरी में शोरूम से लगवाई थी बताया था पीछे रूफ रेल जो है वो लगी है और इसका पीछे से ये मेन चीज़ ये लगी है फिर ये पीछे पूरा वो लुक और ये बम्पर इसका पीछे भी कोई क्रोम नहीं है यहाँ पर भी कोई क्रोम का काम नहीं है डिक्की में यहाँ पर इसका सब ऊपर इंस्टॉल हुआ है अंदर थोड़ा सा दिख रहा हो तो फोकस हो जाए तो पता लगेगा यहाँ एक 10 इंची का JBL का सब ऊपर है ये लगा है पीछे के भी मड फ्लैप्स इंटीरियर से ऐसे देखे यहाँ पे ट्विटर इंस्टॉल हुआ है यहाँ पे ये एम्बियंट लाइट ये लेदर का वो पीछे पूरी सीटिंग ये सब हुआ है मैट्स लगे हैं इसमें और इसको अगर टम्बल फोल्ड करें पीछे का लुक कुछ ऐसा है सीट्स का नई सीटें हैं थोड़ी भारी हैं ऐसा कुछ है स्टीयरिंग पूरा रैप हुआ है पूरे स्टीयरिंग का लुक ये डैशबोर्ड का लुक आ रहा है सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट और साउंड में भी ट्विटर वगैरह लगे हैं और इसका सब ऊपर जो है वो यहाँ इंस्टॉल किया यहाँ से दिखाते हैं तुम्हें ये नीचे ये रहा ये एम्पलीफायर है इसका जो सीट के नीचे रखा है ये सब कंट्रोल करेगा बेस बीट स्पीकर्स भी ये ट्विटर्स भी और ये पूरी गाड़ी ऊपर से हुई है डैम्पिंग ये दरवाजे ये सुनो खाली ये पूरा भरा हुआ है ये भी भरा हुआ है यहाँ सब ऊपर लगा है तो ये भी भरा हुआ है वैसे ही उस तरफ से पूरी गाड़ी डैम्प हो रखी है मतलब इंटीरियर में बैठोगे तो कोई आवाज़ नहीं आएगी सारा कुछ ही स्टांस वांस मतलब समझ लो जितना भी है लगभग लगा के Z8L तो नहीं ना Z6 तक पहुंच गई है ऑटो फोल्डिंग डोर मिरर्स ये सब धीरे धीरे दिखाना पड़ता सब भूल जाते हैं ये रहे ये पहले नहीं आता था ये ऐसे ही ये खाली था ये टॉप मॉडल की फील देने के लिए ऑटो फोल्ड ये ओपन ये लॉक के साथ भी काम करता है और ये एडजस्ट करने के लिए इसका अंदर से पूरा व्यू सारी LED की लाइटिंग ये वगैरह स्टेयरिंग का और ये आगे दिखाता हूँ मैं तुम्हें हाई बीम लो बीम सब काम कर रही है अब
इसमें रिवर्स कैमरा भी नहीं था, वो भी डाला है। पूरी गाइडलाइंस के साथ सब काम करता है अब। यही सब काम था, बाकी इसमें जो हुआ है एड्रेस वगैरह। ओ भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भैया, बस आप बताओ कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया। कैसी लगी गाड़ी? बढ़िया। हाँ अंदर से दिखा है, ये अभी नहीं चला, रिमोट बन गया है लेकिन ये नहीं चला अभी, जस्ट ये खुल जाते हैं। ये बीचे ड्राइवर बोले क्या करेगा, रेट कम कर रहा है। देखो ये आए हैं जर्मनी से, या बार्गेनिंग करते हैं इंडिया करते में हैं। इंडिया वालों के लिए बार्गेनिंग करते हैं। सीखो भाई, पलिका में मेरे पापा की दुकान थी, उसी जन से ही। चलो भाई अभी हम जा रहे हैं नोएडा जरा इसका फॉर्म 34 लेने, फिर जाएंगे शोरूम देके आएंगे। और इस घड़ी में पता नहीं क्या सीन है, जरा देखना 2:30 बज रहे हैं, वो भी रात के। सेट कर करके थक गया मैं यार। चलो देखते हैं आगे। गाइस अभी हमने पराठे खाए आलू के, मस्त यहाँ पे बैठ के। ये सामने गाड़ी खड़ी हमारी, सामने ही लगा के आराम से बैठ के खा रहे हैं। ढाबे की बात ही अलग होती है, टेस्टी खाना बनाते हैं ये लोग। अभी खाते हैं फिर आगे की जल्दी करनी करते हैं। चलो तो गाइस हम DND वापस आ गए, नोएडा से निकल चुके हैं मेरी कोटक की ब्रांच से। वहाँ से हमने ये लिया है, ये इतनी दूर आए थे हम ये लेने के लिए। जब देखे तो सही क्या कंफ्यूज, खाली एक फॉर्म, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। स्टैम्प चाहिए था उन्हें सिर्फ बैंक का यार, इसके लिए मेरे को इतना भगाते हैं ये लोग। अब जा रहा हूँ मैं गुड़गांव वापस शोरूम ये देने के लिए। बताओ यार शोरूम भी दिखाऊंगा तो मैं कौन सा ऐसे काम कराते हैं उनसे यार। गाड़ी मत लेना वहां से दोबारा कभी। अब रोड देखो यार DND की, एंजॉय तो कर लो थोड़ा सा रास्ता, एक सिनेमैटिक बना दो इनके। टाइम होता है अपना अपना टाइम, आ जाता है। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। ये है 4 घंटे 2 घंटे सर। पहले भी जल्दी आते हैं, गूगल मैप में देना गया भाई। मैं क्या करूं यहाँ पे गूगल मैप यहाँ से चलते नहीं है। इंडिया का मैप कौन सा था वो डाउनलोड करके चलाना शुरू कर। इंडियन मैप बड़ा भी है ना दिल्ली से, वैसे गाड़ी में घूम।
गाइस गोल्डन थार, गोल्डन वन। इसका लुक अलग ही है यार, ये होनी चाहिए। फिर हम फाइनली गुड़गांव क्रॉस करके दुनिया के सबसे मेजर जाम को पार करके दिल्ली आ गए हैं। अपने पीडब्ल्यूडी ख़त्म हो गया। ए ब्रो चौथी करना, थैंक यू ब्रो। हाँ ये बढ़िया, ऑटोमेटिक नहीं है ना, एक हाथ से रिकॉर्डिंग एक हाथ से गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, तो अपना हमको पायलट लेके बैठते हैं। मतलब सवारी की जान खतरे में डाल दो। हाँ ब्लॉगिंग के चक्कर में अपने। ये माशे भी लेट गए, थक गए बेचारे पूरी तरह से, सीट आई कैमरे में तो आया ही नहीं, इतना जाम था क्या करें। अभी पहुंच गए, वसंत विहार दिख रहा है हमें, नेहरू प्लेस दिख रहा है, पहुंच जाएंगे घर अब जल्दी से। दे रहा है कनॉट प्लेस आके फाइनली जा रहा है, नजारे ले ले। कोई नहीं, अभी ये रोड ऐसे चल रही है, अभी अंदर जाते हैं देखते हैं। ये लाइटें जला लो। अरे नाइस, अभी रात के देख रहे हो कितने बज रहे हैं, टाइम भी नहीं दिख रहा होगा, 11:15 घर जा रहा है लड़का। ओके बाय बाय, आराम से आराम से आराम से। ये वैसे निकल गई थी, ठीक है ओके। चलो भाई आज के लिए यहीं एंड करते हैं, घर पहुंच गए अब सोएंगे और कल देखेंगे क्या करना है। पूरी तरह से थक गए भाई, आहा, फिर से पूरा दिन बाहर ही निकल गया, सुबह निकले थे और सुबह के अब जाके घुस रहे हैं घर पे। कैसा लग रहा है घूम के, रोज देर तक रोज ही थक रहा है। चलो वीडियो यही एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अब तो वापस से स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, क्यों भाई। हाँ भाई।